यूहन्ना की तीसरी पत्री पहला अध्याय। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी हैं, उसे विश्वासी की नाई करता है। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी, आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझ से शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं, वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना।